हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं SSD प्रोजेक्ट्स। तो मुझको बहुत सारे लोग ने बोला क्या इसे हम APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर, जो बहुत बढ़िया कंट्रोलर है, फ्लाइट कंट्रोलर है, मुझको लगता है बिगिनर के लिए और बहुत बढ़िया कंट्रोलर है फॉर 3,000 प्राइस रेंज में। तो आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, YAW प्रॉब्लम इन APM फ्लाइट कंट्रोलर फॉर क्वाड कॉप्टर और एनीथिंग। तो चलिए देखते हैं YAW प्रॉब्लम। APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर डायग्राम इज दैट, ऐसे होता है क्या? फ्रंट में फ्रंट राइट को क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है? तो ऐसा होता है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है, ये रॉन्ग है। ये ऐसा करेगा तो ऐसा ऐसे घूमेगा, पूरा क्वाड कॉप्टर ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है? आपको मैं डेमो देता हूँ, डेमो दे के दिखाता हूँ, ठीक है? आपको क्लॉकवाइज ऐसे रखना है, ठीक है? फ्रंट इस साइड होगा तो लेफ्ट फ्रंट पे क्लॉकवाइज देना है और बैक राइट पे क्लॉकवाइज देना है, और ऐसे फ्रंट राइट पे एंटी क्लॉकवाइज और बैक लेफ्ट पे क्लॉकवाइज देना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज देना है। तो ऐसे होगा APM रोटेशन, APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर रोटेशन ऐसे होता है, ठीक है? तो ये करने ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, और ये और एक प्रॉब्लम हो सकता है। मान के चलिए आप मोटर आपका मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट आप प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज लगा है, वैसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देख लेना। तो ये मेरा को प्रॉब्लम ज़्यादा ये ज़्यादा ज़्यादा बड़ा लगा, तो इसलिए मैं इसको ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? और मेरा हिंदी थोड़ा पुअर है, तो सॉरी इसलिए। तो आपका ये चेंज हो जाएगा, और आप कैसे मोटर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ये आपको बोलूँगा मैं। तो चलिए चलते हैं। तो आपका ये है मोटर डायरेक्शन, तो हमारा ESC हो गया, ठीक है? ESC 3 फेज पैरेलली मोटर से कनेक्ट होगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। और इसको हम ये ऐसे चेंज कर देंगे, ठीक है, दो मोटर का सिर्फ दो वायर को, ESC का वायर से दो वायर चेंज करने से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है? ये है आपका मोटर घूम, आपको क्लॉकवाइज चाहिए तो ये चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए तो ये चाहिए। तो आप ये देख लेना, तो ऐसे होता है, ठीक है? तो हमारा APM ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा क्लॉकवाइज, ठीक है? ये हमारा मान के चलिए ड्रोन है, फ्रंट है, ये फ्रंट है, तो ऐसे होगा। प्रोपेलर देख के लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जैसे होगा क्लॉकवाइज, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप वीडियो अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ माय चैनल, सपोर्ट न्यू चैनल है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।